सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हनुमान जयंती, तो आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उसके लिए। और अभी बज रहे हैं कुछ 8 बज रहे हैं, तो अभी हम जाते हैं। हमने जो लड्डू का ऑर्डर दिया है वो लड्डू को लेते हैं। 100 लड्डू आज मैं चढ़ाने वाला हूँ मंदिर पे। मंदिर में हम दे देंगे लड्डू को और गरीबों में बांटेंगे कुछ। तो अभी चलते हैं, सीधा लड्डू वड्डू देते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। गाइज ये रहे अपनी पेगासस, और इसको भी कूल स्टार्ट देते हैं। उसके बाद मैं आज एक आपको शख्स से मिलाने वाला हूँ जो कि मेरा भाई है। आज मैं सौरभ जोशी बन चुका हूँ, और ये रहा मेरा कंटेंट। ये देखो, इसका नाम है आदित्य, लेकिन ये अपने आप को पीयूष बता रहा है। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं जीतू भैया के घर, और जीतू भैया अभी फ्रेश हो रहे हैं। फिर हम जाएंगे लड्डू लेने उनके, उसके बाद हम जाएंगे सीधा मंदिर पे। फिर मैं आपको वहाँ का पूरा दिखाता हूँ कैसा सजाया गया है, क्या है क्या नहीं है। गाइस अभी जिसके लिए हम आए थे जीतू भैया, आप रेडी हो चुके हैं। और यार अपना जय श्री राम, ये अपना कंटेंट पीयूष। तो अभी जाते हैं अभी लड्डू के दुकान पे, और वहाँ से के लड्डू लेते हैं, और देखते हैं। गला में थोड़ा खाली खाली लग रहा है, क्या बोलते उसको, 25 तोला नहीं, अच्छा गेरवा जो है जो लपेटते गले में वो मैं लूंगा। और लड्डू लेके हम लोग सीधा निकलते हैं मंदिर के लिए। जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई, काफी भक्तजन आए हुए हैं, और मैं जो चढ़ाया लड्डू वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया जो मैं दुकान से लेके आया। ये जो बीच में है ये वाला हमारा है, पूरे 100 लड्डू हैं इसमें। की बोल रहा हूँ तुम आगे में, তখন মা বললেন তুমি আমার ছেলে থেকে বেশি। এখনকার মা বন্যা যারা ভাই আছে ছেলে আছে, কারো ভাই কারো ছেলে। So guys, अभी हम पानी लेने आए हुए हैं, और अभी पूजा चल रहा है, पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं। गाइस लुक चेक करो, इधर खाना बन रहा है, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। यहाँ पर खिचड़ी बनेगा, तो शाम को सब आ जाना। देखो गाइस, एक पूरा बस्ता भर के यहाँ पर बंद गोभी आ चुका है, और ये देखो पम्पकिंस, कद्दू, गाजर, आलू, और इसमें क्या है, ये मीठा आलू है। चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं। ये फोटो खिंचवा रहा है जिस उम्र में हम एप्पल खाते थे, उस उम्र में एप्पल के साथ फोटो खिंचा रहा है। और हो गया तेरा फोटो, चल खींच जा दो। और बताओ कैसा लग रहा है? सब बढ़िया भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर हमारी पुलिस आ चुकी है, पुलिस आ गई, पुलिस। ये देखो गाइस बूंदी, यहाँ पर 3 केजी बूंदी और 1 केजी है, मतलब भैया ने 4 केजी उठा रखा है। गाइस ये देखो, हम लोग सीट भिगा रहे हैं क्योंकि सीट इतना गर्म हो गया है कि हमारा बन का टोस्ट बन जाएगा। अरे इसको पोंछ देते हैं हम। ये देखो गाइस, देसी गमछा अपना जुगाड़, इसे पोंछ देंगे पूरा। सच बता रहा भाई, बम का ना टोस्ट बन जाता है भाई इतने गर्म में, जब गाड़ी को कहीं अगर छोड़ जाओ या फिर पार्क कर जाओ तो। गाइस ये देखो, ये सारा प्रसाद चढ़ा है, अभी यहाँ पर यज्ञ होने वाला है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन बैठ गया अभी कुर्सी पे? तो जी तू भैया चलो अभी जाएंगे एक मिनट। गर्मी से हालत खराब हो रखी है, फिर जा रहे हैं पर्दा लाने। अब क्या क्या लाया पता है? पहले तो मैं अपना लड्डू ले आया, फिर घी और बूंदिया लाया, पानी लाया, और अभी फिर जा रहे हैं हम पर्दा लाने के लिए, क्योंकि हम मंदिर को ढकने वाले हैं। तो गाइस ये देखो, हमने पर्दा ले लिया है और यहाँ पर हम और कुछ सामान है वो ले रहे हैं यहाँ से, उसके बाद फिर चलते हैं। यज्ञ हो रहा होगा अभी। तो गाइस अभी जस्ट मैंने भाई को बहुत भूख लगा है, तो भाई को घर छोड़ने जा रहे हैं। सत्या देख रहे हो, नॉन स्टॉप मैं जा रहा हूँ, भाई को छोड़ देता हूँ। ये रहा मेरा कॉन्टेंट, ये देखो कॉन्टेंट चला जाएगा तो मेरे को कौन देखेगा भाई? सौरभ जोशी बॉक्स का चैनल बंद हो जाएगा भाई। ये केटीएम ड्यूक किसका है? ए चपड़ी, ए चपड़ी, ए चपड़ी, कुछ बोलना चाहोगे? केटीएम को बिकारा किसका है? छपरियों ने, छपरियों ने। वैसे बाइक बहुत बढ़िया है, वैसे बाइक ये बहुत बढ़िया है, इसका इंजन में बहुत इनिशियल पिकअप, बहुत ही फास्ट बाइक है ये। हाँ अभी लेके निकलने में आएगा सड़म। हाँ बाइक जो है बाइक बहुत बढ़िया है, बस छपरी टैग के वैसे हम ले नहीं रहे इसको, वरना हम इसी को लेते। R15 लेंगे हम, R15 लेंगे हम, ये नहीं लेंगे। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमार। अभी यज्ञ स्टार्ट हो चुका है तो हम जा रहे हैं अभी। अभी मैं अंजलि देने वाले हैं हम लोग। गाइस हम लोग का अंजलि अब हो चुका है और अभी बहुत भाई मैं थक चुका हूँ, बहुत भूख लगी है सुबह से, खाली पेट सब उपवास रखे हैं, तो पूजा वूजा हो गया है। अभी जाएंगे थोड़ा भोजन वोजन करेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं फिर। गाइस ये देखो बिना भाई को नहीं पूछा भाई, अकेले अकेले कोई बहुत बुरा बात है। संजय भैया आप भी नहीं पूछे भाई को? जीतू के लाया अपने भाई को नहीं पूछा, मैं बोला भूख लगे तो भाई और क्या बताओ यार। देखो ये होते भैया, मैं खिलाऊंगा चलो। ये देखो भाई पीयूष हमको खिलाएगा, हम मैं सौरभ जोशी, ये पीयूष मेरा कंटेंट, और यहाँ पर भाई बहुत भीड़ बढ़ रही है और सब उपवास तोड़ रहे हैं। चना और किससे सब लोग यहाँ पर अपना उपवास तोड़ रहे हैं चना अमृत से, तो हम भी चलते हैं अपना उपवास तोड़ते हैं। चलिए चलिए मित्र। ये रहा चना अमृत और हम अपना उपवास तोड़ने वाले हैं अभी। ठीक है अभी हम आ गए हैं यहाँ पर कुल्फी के मजे लेने के लिए। यहाँ पर हमें पीयूष ने ट्रीट दिया है गाइस, उपवास हमने तोड़ लिया है,
बजरंग दल वाले हम। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम चाय बगान वाले अपने मंदिर पे आ चुके हैं। अभी हम मंदिर के बहुत पास पहुंच गए हैं और दूर से हम दर्शन कर लेंगे क्योंकि बहुत भीड़ है और पूजा वूजा तो हमने कर ही लिया है, बस दर्शन करके हम चले जाएंगे। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है अंदर, अंदर तो जाना भाई पॉसिबल है नहीं। और ये जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया यहाँ से हॉर्न बजना स्टार्ट हो गया। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकल लोग यहाँ पर हलवा पूड़ी पैक कर रहे हैं जो प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। गाइस अब यहाँ पर खिचड़ी भी पैक होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। आप देख सकते हो मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ मैं। अभी 8:30 बज चुके हैं भाई, हम 6-7 बजे से भाई खिचड़ी कंटिन्यू दिए जा रहे बड़े बड़े पतीले पे हम दे रहे हैं और 2-3 बार तो हमने और उससे भी बड़ा वाला जो सबसे बड़ा वाला है वो हम लेके गए, उठा के लेके जा रहे हैं वहाँ दे रहे हैं। भाई साहब हालत ख़राब हो जा रही सच्ची, ये बंदा मेरे साथ तब से मेहनत कर रहा है उठा रहा है। भाई देखो भाई पसीना, मैं तो अभी थोड़ा पोछ पोछ लिया हूँ, पूरा शर्ट वर्ट अंदर से भीग गया है। और ये देखो पैंट का हालत देखो भाई, फट गई भाई, खिचड़ी विचड़ी भाई हर तरफ लग गई है। भाई ये बहुत महंगा जीन्स है मेरा, ये देखिए गाइस देख रहे हो खिचड़ी विचड़ी लग गया है पूरा एकदम। चलो भाई जितना भी है भाई 6-7 हम लोग ने लगा दिया, अब जो रसोई वाले थे उन्होंने ही मना कर दिया कि अभी मत दीजिए। एक्सपीरियंस बताइए खिचड़ी देने का। एक्सपीरियंस मेरा हाँ जल चुका है भैया का, इतना गर्म गर्म खिचड़ी भाई कंटेनर हम पकड़ पकड़ के ला रहे थे, इतना भारी भारी ऐसा लग रहा था भाई जिम जाना छोड़ दूं, यही सब काम कर लूं। छूट भी गया था हाँ, कुछ कुछ जगह पे तो छूट भी गया था इनका हाथ, बट ठीक है मैनेज हमने कर लिया। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। माइक में प्रॉब्लम था तो हमने पूरा माइक ही चेंज कर दिया और अभी यहाँ पर कीर्तन चालू होने वाला है। Thank you.
देखो मेरा हाथ छिल चुका है, पूरा चमड़ा उठ गया है उस भारी भारी पतीलों को उठाते हुए। 5-6 पता नहीं कितने, 7-8 भाई कितने उठा दिए पता नहीं, इतना रश था भाई सब खिचड़ी के लिए, इतना धक्का बक्की चल रहा है भाई क्या ही बताऊं। और पतीला कम से कम इतना ऊंचा होगा, इतना ये दिख रहा है सबको, इतना ऊंचा वो पतीला होगा पूरा, इतना बड़ा सा गोल उसको हम उठा के ला रहे थे भाई, हालत खराब हो गया माँ कसम। सो गाइस मैं अभी घर आ चुका हूँ भाई, इतना रस था ना वहाँ पे 6-7 जो बड़े बड़े पतीले होते हैं उसमें से भाई हम उसको उठा के लेके जा रहे हैं, फिर बांट रहे हैं, लेके जा रहे हैं बांट रहे, लेके जा रहे हैं बांट रहे भाई, ऐसे चलते चलते भाई साहब 7-8 कटोरे हुए इसके ढंग हमने बांट दिए। उसके बाद हमने बांटना बंद कर दिया, उन जो रसोई घर वाले थे उन्होंने ही बोला और मत बांटो, तो हमने नहीं बांटा। और हाँ इतना रस था भाई कुछ किया नहीं जा सकता था। और मैं थोड़ा सा प्रसाद लेके आ गया हूँ, खिचड़ी जो भी है, और हाथ मेरा बहुत ख़राब हो चुका है भाई। वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, और मिलता होगा किसी और गिल्मेंट पर। क्ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, राइट सेफ, बाय बाय।